हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर से आज की सुबह प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सबको शालोम कहती हूँ। आज की सुबह प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको ब्लेस करती हूँ। आज की सुबह जो प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके जीवन में जोड़ी, ये सुबह ऑर्डिनरी सुबह नहीं, ये सुबह एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सुबह है। हालेलुया, मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। मैं एडवोकेट विनीता एक बार फिर से प्रभु के फ्रेश मना को लेकर आज की सुबह आपके साथ में और आपके घरों में आपके साथ प्रभु के साथ फेलोशिप करते हुए आपके बीच में हूँ। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर अपने एक वचन के द्वारा आज की सुबह आपसे बात करना चाहता है। आप कोई क्यों ना हो, आप कहीं पर भी क्यों ना जा रहे हो, आप कुछ भी क्यों ना कर रहे हो, कोई भी विचार क्यों ना हो, लेकिन आज की सुबह प्रभु ने एक वचन आपके लिए रखा है और वो वचन मैं चाहती हूँ कि आज की सुबह आपके साथ में शेयर करूं। साम 121 इट सेज, भजन संहिता 121 ये कहता है, आई विल लिफ्ट अप माई आईज ऑन द हिल्स ऑफ द जेरूसलम, फ्रॉम वेयर शेल माई हेल्प कम्स। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी। और आगे लिखा है, माई हेल्प कम्स फ्रॉम द लॉर्ड हु मेड हेवन एंड अर्थ। हालेलुया, भजनकार कहता है, आई विल लिफ्ट अप माई आईज अपॉन द माउंटेन्स अपॉन द जेरूसलम, फ्रॉम वेंस माई हेल्प कम्स फ्रॉम द लॉर्ड हु मेड हेवन एंड अर्थ। हालेलुया, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी। भजनकार कहता है, मैं अपनी आंखों को पर्वतों की ओर लगाता हूँ, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी। मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलेगी जो आसमान और जमीन का बनाने वाला है। हालेलुया, आज की सुबह इस छोटे से वचन से परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है। हो सकता है कि आज आप किसी से सहायता पाने के लिए जा रहे हों, हो सकता है कि आप आज आपने अपनी आंखें किसी मनुष्य के ऊपर लगाई हों, हो सकता है आज की सुबह आपकी आंखें आपकी नौकरी के ऊपर हों, आपकी आंखें अपने परिवार के ऊपर हों, आपकी आंखें आपकी किसी बहुत ही प्रेशियस चीज के ऊपर हों और आपको लगता है कि मुझे यहीं से ही सहायता मिलेगी। लेकिन प्रभु का वचन आज आपसे एक बात कहना चाहता है। प्रभु कहता है, प्रभु का वचन आपसे इस बात को साफ कहता है और कहता है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा और मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलेगी। हालेलुया, आज आप कोई क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी आपके जीवन में परेशानी क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी समस्याओं का आज आप सामना क्यों ना कर रहे हो, ये बाइबल परमेश्वर का कलाम है, परमेश्वर का द वर्ड ऑफ गॉड है और जो ये कहता है वो स्टेबल है और वो टल नहीं सकता। और बाइबल हमें इस बात को बताती है, मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आसमान और जमीन का बनाने वाला है। जो आसमान और जमीन का बनाने वाला है वो आज आपकी सहायता करना चाहता है। ही वॉन्ट्स टू हेल्प यू, ही वॉन्ट्स टू सपोर्ट यू एंड ही वॉन्ट्स टू सस्टेन यू वॉट एवर सिचुएशन यू आर फेसिंग। आप कोई भी समस्याओं का सामना क्यों ना कर रहे हो आज की सुबह, हो सकता है आज की सुबह आप कोर्ट कचहरी का सामना कर रहे हैं, आज की सुबह आप फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना कर रहे हैं, आज की सुबह आप एक बदहाल नौकरी का सामना कर रहे हैं, आज की सुबह आप बीमारी का सामना कर रहे हैं, कलेशों का सामना कर रहे हैं, लेकिन हर चीज के आगे परमेश्वर का वचन खड़ा है, परमेश्वर का वचन स्टैंड है जो ये कहता है, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी, मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलेगी। हालेलुया, आई जस्ट वॉन्ट टू एनकरेज ईच वन ऑफ यू जो आज की सुबह इस डेली मना को देख रहे हैं। परमेश्वर आपसे कहता है, दो मिनट ठहरो और सुनो, तुम किसी भी मनुष्य पे भरोसा मत रखो, भरोसा रखना है तो अपने परमेश्वर के ऊपर रखो। डोंट रिलाई अपॉन द मैन, रिलाई अपॉन योर गॉड जिसने आपको बनाया है। हालेलुया, वो आसमान और जमीन का बनाने वाला है, जिसने कहा आसमान बन गया, जिसने कहा जमीन बन गई, वो परमेश्वर आज आपसे बात कर रहा है। आज आपकी कोई भी कैसी भी समस्या क्यों ना हो, आज आप परमेश्वर के पास आ सकते हैं। दिस इज द डे, आज वो दिन है जो आप ये कह सकते हैं, प्रभु मैं दौड़ दौड़ के थक गया, मैं लोगों से सहायता मांगते मांगते थक गई, मैं लोगों का मुंह देखते देखते थक गया, कोई भी नहीं है जो मेरे पास आकर मेरी सहायता कर सके, कोई नहीं है जो ये कह सके कि हम तुम्हारे लिए हैं। जो कहते थे कल कि हम तुम्हारा साथ देंगे वो हमें छोड़ के चले गए हैं, लेकिन प्रभु मेरी आंखें आपकी ओर लगी हैं। हालेलुया, और मैं आपको एक बात निश्चय कराना चाहूंगी, आई अश्योर यू बाय द वर्ड ऑफ गॉड
परमेश्वर का वचन कहता है जितने यहोवा की ओर देखते हैं वो कभी लज्जित नहीं होते। हालेलुया, योर फेसेस विल नेवर बी अशेम्ड, आपके चेहरे कभी भी शर्मिंदा नहीं होंगे। सो जस्ट इस छोटे से वचन के द्वारा मैं आपको उभारूंगी और मैं सिर्फ एक ही बात बोलूंगी, अपनी आंखों को यहोवा के ऊपर लगाएं, अपनी आंखों को हालेलुया परमेश्वर की ओर लगाना सीखें और परमेश्वर ही आपकी सब बातों को पूरा पूरा और पूरा करेगा। इस छोटे से वचन के द्वारा परमेश्वर आपको, आपके पूरे परिवार को बहुत आशीष और बरकत दे और आज का पूरा दिन आपके लिए और आपके परिवार के लिए आशीष का, बहुत सारी आशीषों का दिन बनने पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से शालोम।